हाय, ये ब्लॉग में लेट रिकॉर्ड कर रहा हूँ। भुवनेश्वर में बहुत बिजी थे, टाइम नहीं मिल पाया। अभी मैं समय बस में हूँ, पर 30 सितंबर की बात है। भुवनेश्वर में काफ़ी इम्पोर्टेंट दिन था आज। वैसे जो होस्ट थे जिन्होंने हमको इनवाइट किया था संवाद और कनक न्यूज़, उनका तो प्रोग्राम नहीं था, पर आज हमारा खुद का प्रोग्राम था। आज भुवनेश्वर में एनर्जी स्वराज चैप्टर का लॉन्च हुआ और डॉक्टर बेजिया उसके प्रेसिडेंट थे और उन्होंने एक टीम बनाई है जिसकी कई दिनों से मीटिंग हो रही थी, 2-3 महीने से चल रहा था। और मैं जब जा रहा था तो मैंने कहा कि वाई डोंट वी यू नो लॉन्च दिस, एंड उन्होंने सेंचुरियन यूनिवर्सिटी में ये प्रोग्राम रखा था। तो लंच के बाद में डॉक्टर विजेता मुझे लेने आया, हम लोग वहाँ पे गए। करीब मेरे ख्याल से 3 से 4 प्रोग्राम था, तो लंच के तुरंत बाद गए और वहाँ पहुँचे तो वो चाह रहे थे कि मैं वाइस चांसलर से मिलूँ। तो वाइस चांसलर वहाँ के जो सेंचुरियन के थे, मुझे नाम याद नहीं, उनसे मुलाकात थी। काफ़ी शॉर्ट मीटिंग रहा, 15-20 मिनट का, बहुत अच्छा। एंड शी कुड अंडरस्टैंड कि नो क्या हम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। और फिर बाद में वो आई और लॉन्च प्रोग्राम हुआ। मैंने जो अपनी स्पीच दी, सबको बधाई दी, ऑफकोर्स चैप्टर के जितने प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, ट्रेजरर, सभी लोग, काफ़ी अच्छी टीम है वहाँ पे, सबको बधाई दी। पर मैंने 10 पॉइंट उनको बताए जो एक्शन फॉर क्लाइमेट करेक्शन के हैं, ये जो हमारी फिलोसफी के 10 पॉइंट है। एंड मैनी पीपल रियली लाइक इट। तो अल्टीमेटली ये जो हमारे मेन आइडिया है कि एनर्जी सब कुछ प्रॉब्लम है, एनर्जी से ही होता है, मैं ही एनर्जी को यूज़ करता हूँ, मेरे कारण क्लाइमेट चेंज हो, मुझे ही ठीक करना पड़ेगा, आज अभी करना पड़ेगा, पब्लिक मूवमेंट होना, ये सब बेसिक फिलोसफी जो हम बात करते हैं, आई थिंक दैट हिट्स वेरी वेल कहीं भी हम बात करते हैं। तो वो हुआ चैप्टर के बाद सेलिब्रेशन हुआ, फोटो अपॉर्चुनिटीज़ हुई। एंड देन फिर वहाँ से हम निकले, एक सुरेश जी भी थे जो थोड़े सीनियर हो गए, रिटायर्ड पर्सन है भी, उनके साथ भी थोड़ी अनबन हुई बाकी लोगों की, बट मैनी लॉट ऑफ पीपल है ना, जब थोड़े सीनियर हो जाते हैं तो मुश्किल होता है लोगों को रियलाइज़ करना, एडजस्ट करना है, और यंग जनरेशन के लिए जगह बनाना। तो एनीवे चैप्टर लॉन्च हुआ, पर हमारा अगला मीटिंग था एक क्लाइमेट नेटवर्क करके, वो मेरे एक इंटरव्यू लेना चाह रहे थे, हम लेट हो गए थे, वो बार बार फ़ोन कर रहे थे। तो जैसे ही होटल पहुँचे, वहाँ से उनकी कार में बैठ के उनके स्टूडियो में गए, वो एक्चुअली ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड करना था हमको, तो वो चाह रहे थे कि स्टूडियो में ही हो। एंड इट वॉज सच, वो जो जो मुझे इंटरव्यू कर रही थी वो एक लॉयर थी ना बाई प्रोफेशन, बट उनका क्लाइमेट में इंटरेस्ट था, तो उन्होंने क्लाइमेट नेटवर्क चालू किया था। एंड बहुत यू नो हार्ड टू हार्ड डिस्कशन हुआ, एंड एक पॉइंट ऐसा आया कि लाइक आई वॉज अबाउट टू क्राई, एक पॉइंट ऐसा भी आया कि इवन शी वॉज ऑलमोस्ट क्राइड, मतलब वो रोकना पड़ा। तो विषय तो बहुत सेंसिटिव है क्लाइमेट चेंज का, और यदि हम सच में दिल की गहराई से बात करें तो ऑब्वियस कि वो इमोशनल तो हो ही जाएंगे, खास करके जब मैं लोगों को बोलता हूँ कि मैं 11 साल के लिए घर छोड़ा है और घर छोड़ के ये सारे काम कर रहे हैं। तो वो हुआ, एंड देन वी केम बैक, सचिन का कुछ तो प्रिंट होना था, नहीं हो पाया, तो सचिन काफ़ी अपसेट था इवनिंग में, फिर भी इन्हें उसको बनाया और हमने डिनर किया, और डिनर करके ऑलमोस्ट सो गए थे। तो ये जो दिन था पहला भुवनेश्वर का, काफ़ी यूज़फुल रहा, 3 दिन की ट्रिप है, कल और परसों भुवनेश्वर का ही, मतलब 1 तारीख और 2 तारीख को। तो आज का दिन तो इतना बढ़िया रहा, और चैप्टर का लॉन्च हुआ, और हम पूरे देश में अलग अलग शहरों में अब चैप्टर को लॉन्च कर रहे हैं। So that's it. Stay connected and stay tuned and do subscribe, like, comment and share and let us join hands. आपके शहर में आप जा भी हो, आप भी एक चैप्टर बना सकते हैं और एनर्जी स्वराज फाउंडेशन की गतिविधियों को आगे बढ़ा सकते हैं। So thank you very much from my side and see you tomorrow. Bye bye.